हम कहेंगे कि ये दैट देयर इज अ नो मैरिज एट ऑल, ठीक है, यानी वो मैरिज होगी ही नहीं, उसको कोई मैरिज का दर्जा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इरेगुलर मैरिज की जो उसके अंदर आती है कैटेगरी के अंदर मैरिजेस हमारे पास, वो सारी प्रोहिबिटेड डिग्री वाली होती है, ठीक है, और इरेगुलर कैरी सॉरी वाइड मैरिजेस के अंदर जो आती है वो सारी प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर होती है। जो हमारे पास इरेगुलर मैरिजेस में आती है मैरिजेस, उसके अंदर थोड़ा सा इम्पेडिमेंट यानी थोड़ी रुकावट होती है। रुकावट का मतलब ये है कि वो एफिनिटी या कंसेंगुइनिटी या प्रोहिबिशन में नहीं होती मैरिज, बल्कि उसके अंदर ये होता है कि कोई हिंड्रेंस है, अगर उसको दूर कर लिया जाए या उसकी जो उसके अंदर जो अगर कोई खामी है उसको दूर कर लिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर विटनेसेस नहीं है और उसके बाद वो विटनेसेस हो जाते हैं और लोगों को जो है डिक्लेयर कर दी जाती है मैरिज, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगी। या एट अ टाइम 4 वाइफ्स को रखने की इजाजत है, 5 जो है, 5th अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली तो 4 वाइफ्स को मेंटेन करने के लिए किसी एक वाइफ को या तो वो बंदा तलाक देगा, या हो सकता है कि इसी दरमियान अगर एक वाइफ की डेथ हो जाती है या वो वाइफ जो उससे अलहदगी प्यार कर लेती है अपने हस्बैंड से और उसको कहती है कि मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर वो जो 5th मैरिज है वो वैलिड मैरिज की कैटेगरी में आ जाएगी। या जैसा हमने पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर एट ए टाइम 2 सिस्टर्स के साथ जो 2 बहनों के साथ शादी जो है वो नहीं की जा सकती, जायज नहीं है। अगर कोई मर्द एक वक्त में 2 बहनों से शादी करता है तो उसे किसी एक बहन को तलाक देनी होगी। अब इरेगुलर मैरिज कौन सी होगी, जो सेकंड वाली होगी। फर्स्ट वाली मैरिज जो है वो वैलिड है, अगर उसे वो चाहता है कि सेकेंड वाली मैरिज को रेगुलराइज करे या उसको वैलिड करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको फर्स्ट वाइफ को तलाक देनी होगी, ठीक है। तो वो मैरिजेस जो किसी वजह से जो है इरेगुलर की कैटेगरी में आती है, यानी वो वाइड नहीं है, वाइड की कैटेगरी में वो मैरिजेस आती हैं जो मैरिजेस है ही नहीं, एट ऑल दे आर नॉट मैरिजेस, ठीक है, और उसमें वो प्रोहिबिटेड डिग्री वाले केसेस आते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हराम हराम करार दे दिया गया है कि जनाब आपने इन इन रिश्तों के साथ शादी नहीं करनी, ठीक है। सही। और मतलब अगर मैम जी बोले मतलब कि जैसे आपने मैम 4 शादियों की मिसाल दी, तो सर मैम अगर वो शख्स 5वीं शादी उसने कर ली है तो तब तक वो 5वीं मतलब जो उसकी वाइफ होगी वो इरेगुलर होगी जब तक उन 4 में से कुछ मतलब कोई जाती नहीं है, मतलब कि उसको किसी की डेथ नहीं होती या फिर मतलब किसी को तलाक नहीं होती, तब तक वो 5वीं जो इसके लिए इरेगुलर होगी। हाँ, वो इरेगुलर ऐसे ही है ना मैम। जी वो इरेगुलर होगी लेकिन वो वाइड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इरेगुलर वाइड में फर्क है, वो मैं आपको एक और बता देती हूँ बात। इरेगुलर से जो ऑफस्प्रिंग होगी या जो बेबीज होंगे वो लीजिटिमेट होंगे, राइट, और जो वाइड मैरिज यानी जो मैरिज एट ऑल होगी नहीं, जिसको इस्लाम ने कहा है कि उसको मैरिज का दर्जा ही नहीं दिया जा सकता ना, इस तरह की अगर कोई मैरिज बंदा करता है तो उससे जो बेबीज आएंगे इस दुनिया में वो इलीजिटिमेट होंगे, राइट, और उनका किसी किस्म का कोई जो है वो राइट क्रिएट नहीं होगा अपने फादर या मदर की जो है वो प्रॉपर्टीज के अंदर। और अगर जो है वो इरेगुलर मैरिज है और उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो फिर अगर कोई उस बच्चा दुनिया में आता है तो वो लिजिटिमेट भी होगा और उसका शरई हिस्सा भी होगा मदर और फादर दोनों की जो है वो जायदाद के अंदर, ठीक है। मैम इरेगुलर वाइफ का जो है ना हिस्सा होगा मैम? नहीं, इरेगुलर वाइफ का नहीं हो सकेगा, इरेगुलर वाइफ को जो है वो इनहेरिटेंस में नहीं मिल सकेगा। अगर इसी दौरान जो है वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इरेगुलर वाइफ जो होगी उसको नहीं मिलेगा ऐसा। अच्छा, इरेगुलरिटी देखें, एक ये भी थी कि हमने पढ़ा था कि अगर ड्यूरिंग इद्दत शादी जो हो जाती है, अब जाहिर सी बात है अगर बेबी दुनिया में आएगा तो वो तो पूरे 9 महीने उसको लगेंगे, जब तक तो वो इद्दत पीरियड भी एक्सपायर हो चुका होगा तो वो मैरिज रेगुलराइज हो चुकी होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर बेबी का भी हिस्सा क्रिएट हो जाएगा और वाइफ का भी हो जाएगा, लेकिन वाइफ का हिस्सा कब क्रिएट होगा, जब उसका इद्दत का टाइम खत्म हो जाएगा। और अगर जैसे विटनेसेस की एब्सेंस में तो शादी अगर डिक्लेयर हो जाती है, तो जैसे ही शादी डिक्लेयर होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो शादी जो है वो रेगुलराइज हो जाएगी। कुछ इसमें रुकावटें ऐसी हैं जो कि टेम्पररी हैं, जो कि किसी भी वक्त जो है उनको डिलीट किया, जैसे ही अगर वो शादी अनाउंस हो जाती है, लोगों को पता लग जाता है, लोग विटनेसेस बन जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगी मैरिज।
और इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी का इद्दत पीरियड के दरमियान किसी ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, तो जैसे ही इद्दत पीरियड कंप्लीट होगा वैसे ही जो है वो क्या हो जाएगा कि वो मैरिज ऑटोमेटिकली जो है वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम, यस मैम, क्लियर हो गया। अच्छा, ये किसी ने लिखा है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद अली और जाफर अलैहिस्सलाम पर नजर डाली और फरमाया कि हमारी बेटियां हमारे बेटों के लिए और हमारे बेटे हमारी बेटियों के लिए हैं। देखें, ये हजरत औलाद अली अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात जरूर की होगी, लेकिन जो है शादी जो है किसी की भी जो गैर सैयद में है वो हराम नहीं है। ये आपके जहन में गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी सैयद जादियां ऐसी हैं जिनकी शादियां हुई हुई हैं दूसरे जो है वो मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों में, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई सैयद है तो उसकी जो है वो सुन्नियों में शादी हुई हुई है, गैर सैयदों में शादी हुई, तो ये निकाह जो है वो हराम नहीं है। और ये जो आप हदीस की बात कर रहे हैं ये कितनी अथेंटिक है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये सिहासता में अब कौन सी बुक के अंदर कोटेड है, ये मेरी नजर से ऐसी कोई चीज नहीं गुजरी, और सैयद की गैर सैयद में शादी बिल्कुल हो सकती है। इसके ऊपर कई बार डिस्कशन हो चुकी है, इसके ऊपर कई बार फतवाज आ चुके हैं, इसके ऊपर कई बार जो है वो अथेंटिक होने ना होने या इन तमाम चीजों के ऊपर वो हो चुकी है बात। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं डोवर के ऊपर, क्योंकि देखें जो भी आपकी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होगा तो उसके अंदर डोवर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। डोवर इट इज अ कंसीडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज व्हिच द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड। इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा। कुरान पाक के अंदर भी आया है कि औरत को हक मेहर देना है। कुरान हैज अंडरलाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डोवर, यू मस्ट विश देम वाइव्स इन कंसीडरेशन ऑफ of property. It is one of an obligation imposed upon husband towards his wife as a symbol of respect. If the dower is not specified, yes, specifically provided at the time of contract of marriage, then it is presumed that it has been provided in limited term. अच्छा, अगर देखें dower का amount specify हो गया, ये dower की two types है ना, एक मुअज्जल है और एक मुबज्जल है। अगर तो मुअज्जल है, वैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रैक्टिस रही है या जो असहाबे कराम की प्रैक्टिस रही है वो ये थी कि हक मेहर मुअज्जल रखा जाता था, यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो है वाइफ को वो गिफ्ट के तौर पर वो अमाउंट उसी वक्त पे कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि कभी कभी आगे चलते गए, जैसे आगे मजहब बढ़ता गया, तो कुछ लोग गरीब होते हैं वो नहीं पे कर पाते, या वो क्या करते हैं कि अपना हक मेहर जो है वो रख देते हैं। इसकी फिर दो किस्में बताई गई, एक जो मुबज्जल होगा एट द डेथ ऑफ द हस्बैंड पेबल हो जाएगा, या एट द टाइम ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ डिवोर्स या फिर बाय वे ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड। किसी भी तरीके से जैसे ही वो मैरिज डिसॉल्व होगी तो उस वक्त वो पेबल हो जाता है। ठीक है, और या फिर जो है अगर वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड को वो माफ भी कर सकती है, लेकिन इसकी बहुत फजीलत बताई गई है कुरान खान कुरान पाक के अंदर। कुरान पाक के अंदर कहा गया है कि अगर आपने किसी अपनी वाइफ को जो है वो डोवर अमाउंट दिया है, ये एक बाय वे ऑफ गिफ्ट होता है, एक तरीके से एक गिफ्ट है, अगर दिया जाए तो ये आपने उसके उसको रेस्पेक्ट दी है कि जनाब आप जो है मेरी जिंदगी में शामिल हुई हैं, तो लिहाजा मैं आपको जो अपनी प्रॉपर्टी की शक्ल में अब वो कम भी हो सकती है वो ज्यादा भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक जो असूलन एक चीज जो डिसाइडेड है वो ये है कि जो डोवर अमाउंट होगा वो हस्बैंड की एक साल की जो होगी, वन ईयर की जो उसकी इनकम होगी, उसके बराबर रखा जाता है। ठीक है, इट इज नोटेबल थिंग दैट डोवर मे रिमेन अनडिसाइडेड, इट विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, मैरिज विल टेक प्लेस विदाउट इट्स प्रोविजन, इट विल रिमेन पेएबल इन केस इट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। Number four, it is a right of wife and wife may refuse cohabitation if it is not paid on demand. अगर wife को जो है बहुत सारे जो है वो जो अहले हदीस लोग हैं वो तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर जो है वो wife को नहीं दिया गया हक मेहर तो फिर
जो है वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन डेवलप नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि रसूल पाक की सुन्नत यही रही है, सहाबा कराम की, ताबा ताबईन की यही रही है सुन्नत, तो इस वजह से वो उसको इस तरीके से लेते हैं। लेकिन जो है वो अगर देखा जाए तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने जो मुख्तलिफ औकात के अंदर इस मामले के ऊपर डिस्कस किया, उन्होंने कहा है कि अगर ये वाइफ का राइट है प्योरली, अगर वाइफ चाहे फॉरगो भी कर सकती है, और अगर वाइफ चाहे तो इसको पेंडिंग में भी रख सकती है, कि ये बाद में डिसाइड किया जा सकता है इसको। अच्छा आगे कहता है नंबर 5, ये कि वाइफ में रेमिट डोर बट अकॉर्डिंग टू कोर्ट कोर्ट्स डिसीजन रेमिशन ऑफ द डोर डज नॉट डीबार वुमेन टू क्लेम इट अगेन। ऑब्जेक्ट टू रेमिट द डोर इज टू अचीव प्लेजर ऑफ हस्बैंड। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने शौहर की खुशी के लिए औरत कहती है चले जी ठीक है मैंने आपको माफ किया, लेकिन उसको अगर वो रेमिट भी कर दे तब भी वो जब चाहे उसको क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये एक एटर्नल राइट है और कुरान पाक के अंदर भी इसका जिक्र आया है, और उसको माफ करने की बात कुरान पाक के अंदर नहीं की गई है। कुरान पाक के अंदर कहा गया है कि ये देना है और लाजमी देना है। माइनर मे रिसीव डोवर बट कैन नॉट वेव ऑफ रेमिट द डोवर, गार्जियन मे आल्सो नॉट वेव ऑफ इट, गार्जियन इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर, गिफ्ट ऑफ हस्बैंड डू नॉट फॉर्म डोवर। अगर किसी किस्म का कोई दूसरा तोहफा दे दिया जाता है हस्बैंड की तरफ से वाइफ को, तो उसको जो है वो ये नहीं कह सकता मैंने आपको जो गिफ्ट दिया था बस आप वो आपका हक मेहर है, नहीं, उसको हक मेहर के नाम से ही जो है वो हक मेहर पे करना है। और अगर वाइफ माइनर है तो उसका उसके बिहाफ पर गार्जियन को ये राइट नहीं है कि वो बच्ची की तरफ से जो है वो वेव ऑफ कर दे, ठीक है, गार्जियन के ऊपर, बल्कि ये ऑब्लिगेशन आती है कि वो उसके राइट्स की हिफाजत करे। अगर वो प्यूबर्टी की एज को पहुंचे और वो एक्सेप्ट करे अपनी मैरिज को, तब वो रिसीव करे या रिफ्यूज करे, तो ये उस लड़की का जो है वो, या जो ब्राइड है यानी या दुल्हन है, ये उसका जो है ये राइट है, ठीक है। डोवर इज अ डेट एंड पेएबल आफ्टर डेथ फ्रॉम द लीगेसी ऑफ द हस्बैंड। अब आप देखें इसकी अहमियत इतनी है कि कुरान पाक ने या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम टू टाइम ये तक कहा कि ये एक उधार है शौहर के ऊपर, अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो हकमेर जो है उसके बच्चों या उसके जो लीगल हेयर्स हैं उसके उनके ऊपर ये पेबल हो जाएगा, और उनको ये अदा करना ही करना है हर तरह से। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज स्टेट अपार्ट फ्रॉम द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में से सबसे पहले डोअर अमाउंट और जो डेथ बेड चार्जेस होती हैं और ये सारी चीजें माइनस होती हैं। हम अभी जब चलेंगे उसकी तरफ इनहेरिटेंस की तरफ, तो ये सारी बातें हम उसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डोअर, एनी थिंग विच इज परमिसेबल इन इस्लाम मे बी सेटल्ड एज अ डोअर, फॉलिंग कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर। उनमें से ये चीजें नहीं हो सकती जो कि कुरान पाक के अंदर या इस्लाम में हराम करार दी गई हैं, वो चीजें जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डोर नहीं हो सकती। वो क्या क्या है? ऑल थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, फॉर एग्जांपल वाइन या पिग, या वो चीजें जो हराम करार दे दी गई हैं। अच्छा, फ्यूचर गुड्स कैन नॉट बी डोर, यानी हम कहें कि हमारी जब फसल उगेगी तब उसमें से हम काटेंगे, तब हम उसको बेचेंगे, तो जो पैसे आएंगे वो तुम्हारा हक में रहे, तो ये नहीं हो सकता। ग्रोइंग क्रॉप्स को जो है वो एज अ डोअर अमाउंट नहीं उसको फिक्स किया जा सकता। या पर्सनल सर्विसेज बाय हस्बैंड, हस्बैंड कहे कि मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूंगा और ये तुम्हारे लिए हक में है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, इनको सब्जेक्ट, दीज कुड नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डोअर अमाउंट। डोअर अमाउंट के लिए एक कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, कोई वैल्यूएबल जो है वो ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम इक्वल टू द डोअर अमाउंट हो। अगर तो डोअर अमाउंट के अंदर लिखा हुआ ही यही है कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, तो फिर वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं। अगर कोई पैसे स्पेसिफिकली लिखे हुए तो उस अमाउंट के इक्वल उनकी जो है वो प्राइस होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया डोअर अमाउंट का? Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ तक अगर समझ आ गया तो यहाँ तक आप मुझे बताएं कि इसमें से अगर कोई चीज जो है वो नहीं समझ आई हो तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं या फिर यहीं स्टॉप करते हैं, जैसे आप लोगों को बोले वैसे ही कर लेंगे। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछिए। जी जी,
मैम जो वुमेन होती है दहेज जो देती है वो सही है या नहीं, और वो इसमें इंक्लूड होता है या नहीं? क्या चीज? वुमेन जो है दहेज देती है ना, दहेज डोवरी जो, देखें दहेज तो वो अम्मी अब्बू देंगे ना बेटा, वो डोवर थोड़ी होगा। डोवर अलग चीज है, डोवरी आर्टिकल अलग चीज है। डोवरी जो है वो मदर और फादर की तरफ से होती है, और जो डोवर अमाउंट है ये हस्बैंड के ऊपर पेएबल होता है, ये हस्बैंड की तरफ से होता है डोवर अमाउंट, राइट। और जो आर्टिकल तो वो देना लाजमी है। हाँ, ये डोवर अमाउंट के बगैर देखे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो है वो कम्प्लीट ही नहीं होता। डोवर अमाउंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक अहमियत है, और इसको कुरान पाक के अंदर भी वाजे किया गया है कि मर्दों को जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि वो पे करें अपनी वाइफ को एज अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट। और ये बिल्कुल, ये बाय वे ऑफ गिफ्ट भी दिया जा सकता है, बाय वे ऑफ ऑर्नामेंट दिया जा सकता है, लेकिन लाजमी देना होता है ये, ठीक है। मैम जो पेरेंट्स जहेज देते हैं ना, वो लाजमी है या नहीं? वो तो उनकी उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो चाहे दें ना दें, ये सुन्नत है। एक्चुअली जो जहेज है वो सुन्नत है, और जो डोवर अमाउंट है ना ये ऑब्लिगेटरी है, ये वाजिब की कैटेगरी में, फर्ज की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और वो जो डोवरी आर्टिकल से जो मदर फादर देते हैं वो सुन्नत की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है वो डॉटर को दिए थे, अपनी बेटी को दिया था जहेज जितना पॉसिबल था, जितना मुमकिन था, और मुनासिब जो चीजें थी वो दी थी। इस वजह से ये एज अ सुन्नत फॉलो किया जाता है, और वैसे भी जो है मदर और फादर की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जिस टाइम पे बेटी की शादी हो रही होती है तो वो क्या करते हैं कि जो उसका हिस्सा बन रहा होता है प्रॉपर्टी में, उसके इक्वल उसको या तो अमाउंट दे देते हैं, या जहेज दे देते हैं, या गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे देते हैं, या फिर उसके अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं। तो इस तरह से भी लोग देते हैं, ये भी हर किसी का मतलब एक अपना तरीका है, जो उनकी जेब होती है उस हिसाब से। लेकिन ये है कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये सुन्नत है। और सुन्नत इस वजह से क्योंकि रसूल पाक की जो बेटी थी वो एक ही थी, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अनो। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अनो को जो है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, तो इसलिए ये जो है सुन्नत की कैटेगरी में आएगा, ठीक है जी मैम, थैंक्स। अच्छा, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया है?